तो स्वागत है दोस्तों आपका बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग में। आज आपका करंट अफेयर का दूसरा लेक्चर 2020 का जाएगा और एक नए एस्पेक्ट के साथ, इसमें एक नई तरकीब जिसे हम बताते हैं कि यूट्यूब में इस तरह से आपको शायद ही कहीं पर मिले, ठीक है ना। क्योंकि हम जो टॉपिक उठाते हैं बस उसको, उस टॉपिक को हम पूरी तरह से कहीं से छोड़ते नहीं है, यह समझ लीजिए। उसके हर एक आयामों की चर्चा कर देंगे। अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया तो यकीन मानिए वहीं से ही क्वेश्चन भिड़ जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम कोई भी टॉपिक उठाएंगे उसके सारे एस्पेक्ट को ही क्लियर कर देंगे। ऐसा नहीं है कि फिर उसके बारे में आपको दोबारा कहीं से कुछ पढ़ना हो। बस थोड़ी सी 4-5 लाइन आप जगह उसमें छोड़ दिया करें किसी भी टॉपिक के, ताकि अगला आने वाला करंट उससे रिलेटेड जो होगा तो वहीं पे एक पॉइंट डालकर आप लिख लेना, बस एक पॉइंट डालकर। बाकी सारी चीजें ही हम पूरी तरह अभी तक के करंट को लेकर ही बता रहे हैं, ठीक। तो आज का जो टॉपिक होगा वो भी इसी तरह से केंद्रित होगा। लेकिन आप लोगों से एक गुजारिश है कि शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाते हैं। तो आपका भी कुछ दायित्व तो बनता है, ये दायित्व तो को भी आप पूरा करें और कमेंट करें ताकि हम और मोटिवेट हों आपके वीडियो बनाने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए हम देरी न करते हुए अपना करंट के आज के टॉपिक की चर्चा करते हैं। क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत से बच्चों ने पढ़ लिया, लेकिन फिर भी यकीन मानिए आप लोग इसे पूरा देखेंगे तो आपका जो यह वीडियो है अन्य जगहों पे जो आप पढ़े होंगे उससे कहीं अधिक आपका ज्ञान बढ़ा देगा, ठीक है ना। इसीलिए इसको स्किप मत करना, आप लोग इसको पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा आज का कि GI टैग। GI टैग के बारे में आज हम आपको बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 4 वस्तुओं को GI टैग दिया गया, इसीलिए इस मुद्दे को हम उठाकर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए GI टैग के बारे में पहले हम इसके नामकरण को ही जान लेते हैं। क्या होता है लिख लीजिए, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। क्या हो जाएगा? टैग, ठीक है ना। तो GI टैग का मतलब हो गया जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अगर इसे हिंदी में बात करें तो हिंदी में होगा आपका विशिष्ट विशिष्ट भौगोलिक, विशिष्ट भौगोलिक संकेतक। क्या होगा? विशिष्ट भौगोलिक संकेतक होगा इसका हिंदी में नाम। अगर जानेंगे तो हमने इसका अंग्रेजी में मीनिंग और हिंदी में नाम को जान लिया, ठीक है ना। अब इसके बारे में आगे जो हमें जानकारी करना है कि जो GI टैग है आखिर कब बना, तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए कि GI टैग कब बना, इसको आप लोग जानेंगे। देखिए कब बना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। लोग क्या करते हैं कि वो आपको 4 GI टैग के बारे में बता दिए, जो करंट है वही बता दिए, और GI टैग का फुल फॉर्म बता दिए, या एक दो पॉइंट और बता दिए, बस उनका काम खत्म हो गया। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। देखना हमारा ये जो वीडियो होगा बहुत ही आपके लिए बेहतरीन और फायदेमंद वीडियो होगा ये, ठीक है ना। इस तरह से यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो देखिए कब बना अगर हम बात करेंगे तो एक अधिनियम आया था 1999 में आया था, उस अधिनियम के तहत आपको GI टैग बनाया गया, ठीक है ना। तो अधिनियम का नाम क्या था, तो उस अधिनियम का नाम याद लिख लीजिए आप। अधिनियम का नाम था वस्तुओं का भौगोलिक भौगोलिक सूचक, वस्तुओं का भौगोलिक सूचक अधिनियम 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 1919
1999 में आया था, 1999, ठीक ना। अभी हमने बताया कि 1999 में एक अधिनियम आया था, उस अधिनियम के तहत जीआई टैग बना। तो अधिनियम का नाम क्या था? तो वस्तुओं का भौगोलिक सूचक अधिनियम नाम था, ठीक है ना। अगर अंग्रेजी में इसे लिखना चाहें तो लिख लीजिए जीआई, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन 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 एंड प्रोटेक्शन, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा? 1999। इस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यह बना। कौन सा? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। किस चीज का रजिस्ट्रेशन है? तो यहीं पे आप लिख देना गुड्स का, वस्तुओं का, है ना। तो लिख लीजिए जियोग्राफिकल रजिस्ट्रेशन ऑफ गुड्स, गुड्स है, गुड्स लिख लेना। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ठीक ना। 1999 की अगर हम बात कर लिए हैं तो ये इसी समय बना था। अब आगे जब बात करेंगे कि कौन जारी करता है, कौन जारी करता, क्या जीआई टैग कौन जारी करता है, जब इसकी बात करते हैं तो आप लोग लिख लीजिए इसके बारे में। होता क्या है, एक रजिस्ट्री होती है, एक जिसे बोलते हैं संस्था होती है, वो संस्था जारी करती है। उस संस्था का क्या नाम है? उस संस्था का नाम है आपका भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री। यही संस्था जीआई टैग को जारी करती है, ठीक है ना। तो आप लोग लिख लीजिए क्या, भौगोलिक भौगोलिक संकेत संकेत रजिस्ट्री। ये जो भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री है, यही जो है क्या करती है, जीआई टैग को क्या करती है, जारी करती है। ये बात समझ में आ गई होगी, तो इसको हम मिटाते हैं, ठीक है ना। ये बातें आपने लिख लिया होगा। तो हमने अभी क्या बोला, हमने बोला कि जो भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री होती है, भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, ये बात बताया हमने। तो भौगोलिक संकेत जो रजिस्ट्री होती है, यही आपकी जीआई टैग को क्या करती है, हमने बताया कि ये आपकी जारी करती है, ठीक है ना। अब ये किसके अधीन आती है? बना तो दिया गया संस्था, ये भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री बना तो दिया गया, लेकिन ये भी किसी के अधीन है ना, यानी कि इससे ऊपर कोई है, तो इसलिए किसके अधीन आती है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो लिख लीजिए किसके अधीन आती है, तो यहाँ पे लिखिए आप उद्योग उद्योग संवर्धन उद्योग संवर्धन एवं एवं आंतरिक आंतरिक व्यापार विभाग, आंतरिक व्यापार विभाग। एक तो ये हो गया, इसके अधीन आती है, तथा तथा नहीं एवं लिख दीजिए, एवं और कौन है, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय। देखिए आपको नाम अगर पूछेगा किस मंत्रालय के अधीन है, क्या जीआई टैग या ये जो आपका रजिस्ट्री, इस भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री जो ये बना है संस्था, ये किसके अधीन आता है, या मंत्रालय की जब बात पूछ लेगा तो आपको यही याद रखना है, कौन, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग या फिर उद्योग एवं और वाणिज्य मंत्रालय, ठीक है ना। इसमें से या पहला दे सकता है या दूसरा, या इकट्ठे दोनों को ही नाम लेकर पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि जीआई टैग किस मंत्रालय के अधीन है, ये जीआई टैग कौन जारी करता है। तो जारी करता है आपका ये, और आपका मंत्रालय है आपका ये। आई बात समझ में? अच्छा, हमने एक बात अभी आपको जो बताया था कि कब बना था, तो हमने बताया था कि 1999 में एक अधिनियम आया था, 1999 में एक एक्ट आया था, उस एक्ट के जरिए यह बना था। हमने नाम लिखवा दिया था, उसको फिर से नहीं लिखवाना है, यानी कि वस्तुओं का भौगोलिक सूचक था अधिनियम, ठीक है ना।
वो हमने बताया तो वो तो अधिनियम के तहत उसको बना दिया गया, लेकिन वास्तविक रूप में वो स्थापित कब हुआ था, तो लिख लीजिए जब स्थापना की जब बात करेगा तो स्थापना की बात करेगा तो सितंबर 2003 में यह पूरी तरह से बनकर शुरू हुआ था। कब? सितंबर 2003 में बना था, यानी कि जब सन पूछेगा तो सितंबर 2003 बोलेंगे, सितंबर 2003 में इसकी स्थापना हो गई थी। लेकिन किस एक्ट के जरिए यह बना था? तो 1999 के वस्तुओं का भौगोलिक सूचक अधिनियम के तहत बना था। तो यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, ठीक है ना? तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम बताते हैं, ठीक? या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इस तरह से आपको कहीं पर आपको वीडियो नहीं मिलेगा कि एक ही चीज को लेकर आपको कितनी बेहतरीन तरीके से हम बता रहे हैं। लेकिन मानिए, आप YouTube में खंगाल लीजिएगा, सर्च मार लीजिएगा, कहीं पर अगर इस तरह से मिल जाए तो बताना। इक्का दुक्का आपको यही 4-5 ऑप्शन दे देंगे, वो ऑप्शन को क्लियर करा देंगे, यानी कि बस इतना ही कर लेंगे, थोड़ा सा मंत्रालय विभागीय DITEC क्या यही सब बता देते हैं बस। लेकिन हम इसके सारे एस्पेक्ट को क्लियर कर देंगे, इसीलिए हमारा वीडियो अन्य वीडियो से ही बिल्कुल अलग है। इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है ये आपको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है ना? हमने दो चीजों की चर्चा कर लिया कि GI Tag कब बना, GI Tag जारी कौन करता है, और ये किस मंत्रालय के अधीन है, ठीक? लेकिन सबसे मुख्य बात है GI Tag आखिर होता क्या है, पहले ये तो जान लें। तो क्या होता है इसके बारे में हमें जानकारी करनी है। जब GI Tag के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं यह एक ऐसा नाम है, GI Tag एक ऐसा नाम है जिसमें विभिन्न प्रकार की चीजों को शामिल किया गया है, ठीक है ना? अब वो कौन कौन सी चीजें या वस्तुएं हैं उसको लिखते हैं। तो लिख लीजिए इसको, यह एक ऐसा नाम है, यह एक ऐसा नाम है, यह एक ऐसा नाम है जिसमें 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 क्या हो रहा है, जिसमें आपका कृषि आएगा, कृषि, और क्या आएगा आपका, उद्योग आएगा, कृषि उद्योग, और क्या आएगा, प्रकृति आएगा, और क्या, कारीगरी। कारीगरी को क्या बोलते हैं, जिसे हस्तशिल्प बोलते हैं, ब्रेकेट में लिख लीजिए, हस्तशिल्प, हस्तशिल्प आएगा, मिठाई भी आएगा इसमें, मिठाई, अन्य प्रकार की चीजें और शामिल है। अन्य लिख दिए हैं तो इसका मतलब समझ लेना अन्य शामिल है, तो यह चीजें इसमें आती है। दूसरी चीज है कि यह उत्पादों से संबंधित होता है, यानी कि जो ये वस्तुएं हैं इन वस्तुओं का उत्पादन पर ही GI Tag दिया जाता है, ठीक है ना? तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए कि उत्पादन पर दिया जाता है, उत्पादन पर क्या किया जाता है, यह दिया जाता है। अच्छा, एक बात और यहीं पे समझ लेना कि उत्पादन पर तो दिया जा रहा, मान लीजिए किसी वस्तु को GI Tag आपको दे दिया गया, और वो वस्तु को GI Tag अगर मिल गया है, और मान लीजिए वो आपका यूपी में है, वो GI Tag यूपी में है, तो आपको GI Tag मिल गया, तो क्या आप बिहार में वही वस्तु को ले जाकर बेच सकेंगे? नहीं, आप नहीं बेच सकते हैं। इसका मतलब स्टेट टू स्टेट भी नहीं जा सकते हैं, और जिस स्टेट में है उस स्टेट के उस जगह को छोड़कर किसी अन्य जिले में भी नहीं जा सकते, उस स्टेट में ही बात कर रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि GI Tag जहां पर दिया जाता है वो पर्टिकुलर स्थान ही होता है, वहां से आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, वो विशिष्ट स्थान, विशिष्ट क्षेत्र ही होता है, उसी के लिए दिया जाता है। तो लिख लीजिए, यह विशिष्ट स्थान और विशिष्ट क्षेत्र के लिए होता है, यह विशिष्ट स्थान तथा क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के लिए होता है। मुझे लग रहा है कि ये चीज अभी समझ गए, जो हमने समझाया कि विशिष्ट स्थान और विशिष्ट क्षेत्र की जो हमने बात किया है अभी, वो समझ गए हैं। जहां पर आप बेच रहे हैं, जहां पे आप मशहूर हैं, वहीं पर ही आप इसको बेचेंगे, कहीं अन्य नहीं बेचेंगे, अन्य जगह नहीं बेचेंगे। तो GI Tag होता क्या है ये हमने आपको बेहतर तरह से समझा भी दिया, लिखवा दिया, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और आगे हम बात करते हैं कि GI Tag के बारे में।
जीआई टैग जब हम जान लिए तो जीआई टैग की वैलिडिटी को भी जान लेते हैं इसी वक्त कि वैलिडिटी क्या होती है, यानी कि वैलिडिटी का मतलब क्या है, वैधता। जीआई टैग की वैधता कितनी है, यानी कि कितने समय तक ये काम करता है जीआई टैग, तो ये जो है 10 सालों तक के लिए काम करता है। कितने सालों के लिए होता है, 10 सालों के लिए होता है। मान लीजिए किसी ने जीआई टैग लिया और जीआई टैग लेने के बाद 10 साल पूरे हो गए हैं, तो अब क्या करें, तो उसका जीआई टैग निरस्त हो जाएगा, तो फिर उसे उसी विभाग से जाकर रिन्यू करवाना पड़ेगा। और वो कौन सा विभाग था, हमने बताया था भौगोलिक सूचक रजिस्ट्री। जो भौगोलिक सूचक रजिस्ट्री है उसी विभाग में जाकर फिर से आपको क्या करवाना पड़ेगा, रिन्यू करवाना पड़ेगा, फिर आपको जीआई टैग 10 सालों के लिए हो जाता है। तो लिख लीजिए, वैधता समाप्त होने पर, वैधता क्या होने पर, समाप्त होने पर, वैधता समाप्त होने पर इसे फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है, इसे फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है, करवाना पड़ता है। तो आई थिंक ये बात आप समझ गए कि वैधता को लेकर जो हमने बात किया, ठीक है ना। तो अब आगे की बात चलते हैं कि जीआई टैग में और कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं। चलिए, अब जीआई टैग में देखिए जो हम बता रहे हैं ये शायद आपको मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखकर आप उबिएगा नहीं कि आपको बोरियत सा लगे, ठीक है ना। आपको ये यकीन में रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, इसलिए इस वीडियो को पेशेंस रख के आप लोग देखना ही देखना है, ठीक है। तो चलिए अगला के बात करें कि जीआई टैग की प्रोटेक्शन की बात कहाँ पर की गई है, कहाँ पर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, सुरक्षा। यानी कि जीआई टैग की जब सुरक्षा को लेकर बात होती है तो कहाँ पर कही गई है, सुरक्षा को लेकर दो जगहों पे बात किया गया है। एक आपका WTO में बात किया गया है और एक आपका है पेरिस संधि में। किसमें किया गया है, पेरिस संधि, जिनेवा संधि नहीं है, पेरिस संधि है, आप लोग अपने दिमाग में रखे रहना। तो WTO के तहत इसे संरक्षण देने की बात की गई है और पेरिस संधि के जो दायरे हैं, नियम कानून है, उस नियम कानून के तहत भी इसे संरक्षण की बात की गई। देखिए ये सब चीज आपको मिलेगा नहीं। WTO का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन है। तो विश्व व्यापार संगठन किसके तहत ये नियम बनाता है, वो आपका ट्रिप्स के तहत नियम बनाता है। किसके तहत, ट्रिप्स के तहत नियम बनाता है। ट्रिप्स क्या होता है लिख लीजिए, इसे हम बोलते हैं, ट्रिप्स को हम पहले हिंदी में लिख लीजिए, ट्रिप्स को बोलते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। क्या बोलते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार। तो बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत ये जो होता है जीआई टैग अब प्रोटेक्शन करता है, यानी कि इसको जो जीआई टैग दिया जाता है उसको कहता है कि ये हमारी बौद्धिक संपदा है, इस बौद्धिक संपदा का हम संरक्षण करेंगे, इस पे कोई नुकसान नहीं होने देंगे। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसी वक्त इसी को भी जान लेते हैं, जब पेरिस संधि की बात होती है तो ये आईपीआर की तहत दिया, आईपीआर के तहत प्रोटेक्शन की बात करता है। आईपीआर क्या होता है, ये आपका औद्योगिक संपत्ति मानकर सुरक्षा करता है। क्या करता है, औद्योगिक संपत्ति, तो लिख लीजिए इसको भी, औद्योगिक संपत्ति मानकर सुरक्षा करता है, औद्योगिक संपत्ति, ठीक है ना। तो औद्योगिक संपत्ति मानकर सुरक्षा करता है, ये बौद्धिक संपदा सूचकांक मानकर आपकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो आई थिंक ये बात क्लियर। अब अगर फुल फॉर्म की बात है तो इसका इसका फुल फॉर्म भी आप लोग लिख लीजिए, कहता आईपीआर का होता है इंडस्ट्रियल, लिख लीजिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी राइट होता है, आप लोग लिख लीजिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी राइट आईपीआर का होगा, इसको नोट भी कर लीजिए, ऐसे हम फुल फॉर्म बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी राइट आईपीआर का। और ट्रिप्स का होगा आपका ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है ना। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, अच्छा अगर दिक्कत हो रही लिखने में चलिए हम ही लिख दे रहे हैं, इसका लिख लेते हैं क्या, ट्रेड
ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये हो गया आपका किसका, ट्रिप्स का। आईपीआर की जब हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी राइट, ठीक है ना। तो ये हमारा सुरक्षा की जब बात करेगा तो याद रखना प्रोटेक्शन की बात WTO और पेरिस संधि को लेकर होगा। WTO को बोले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या हमने बोला, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमने इसको बता दिया है। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट करिए, सुरक्षा को लेकर बात करता है। कभी ऑप्शन में आपको WTO दे दिया या पेरिस संधि दे दिया GI टैग, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखे रहिएगा, नोट करिए इसको। देखिए इंटरेस्ट आपको बनाना है इसमें, आपको इसमें बेहतर तरह से समझना है, क्योंकि इस तरह से आपको शायद ही कहीं पर मिलेगी। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल इसे पेशेंस बनाकर ही देखिएगा, एकदम ऐसा ना लगे कि सर छोटा वीडियो बना दीजिए। आपको पूरा देखना है तभी हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम वीडियो चलाने के लिए छोटा सा बना देंगे और वो आपका फायदा ना करे। क्या मतलब उस वीडियो को बनाने का, हम ये चाहते हैं कि आपका भी फायदा हो यहाँ पर वीडियो देखने से, और YouTube में इस तरह से वीडियो कहीं पर ना मौजूद हो, ये भी हम चाहते हैं। इसलिए हमारे पूरी तरह से जो रणनीति है इसी के तहत हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसे नोट करें। तो मिटाएं, चलिए मिटाते हैं। अब आगे की बात करते हैं। GI टैग से संबंधित हमने सारी बातों कर दी। एक चीज और रह गया है कि GI टैग आखिर दिया क्यों जाता है, ये भी जान ले। दिया क्यों जाता है, ऐसा क्या काम हो गया कि ये GI टैग दिया जाने लगा। तो दिया जाने का एक कारण ये है, मान लीजिए आप चाय बहुत बेहतर बनाते हैं, आपको बताना चाहते हैं हम कि मान लीजिए आप चाय बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं। अब उसकी क्वांटिटी ही डिसाइड करती है कि चाय कितना बेहतर बनता है। उसमें शक्कर, अदरक, चीनी और अन्य सामान जो हैं आप जो डालते हैं वो क्वांटिटी ही डिसाइड करती है कितना बेहतर बनता है। तो वो क्वांटिटी कोई और यूज ना कर पाए। जब आपको GI टैग मिल जाता है तो वही सेम क्वांटिटी कोई और नहीं मिला सकता है। इसका मतलब आप जो क्वांटिटी मिला रहे हैं वही आप मिलाएंगे, किसी अन्य को अब वो क्वांटिटी मिलाने का आदेश निरस्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला GI टैग मिलने का रीजन क्या है, दूसरे व्यक्ति जो है वो आपके जो वस्तुओं को बनाने के लिए जो सामग्री है, जो उसका रेशियो है, उस रेशियो का यूज नहीं कर पाएंगे। तो लिख लीजिए, वस्तुओं में मिले सामग्री का अनुपात कोई यूज नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, अगर कोई यूज नहीं कर सकता है चलिए ठीक है, अब तो हमें यह प्रोटेक्शन मिल गया कि हम ही यूज कर सकते क्योंकि हमें मिला है। दूसरी क्या बात है, किसी वस्तु को जब GI टैग मिल जाता है तो उसकी ब्रांडिंग बढ़ जाती है, यानी कि अब उसका महत्व तो बहुत ज्यादा हो जाता है और उसका जो रेट होता है रेट भी बढ़ जाता है, यानी कि मांग बढ़ जाता है, रेट भी बढ़ जाता है, डिमांड रेट दोनों बढ़ जाते हैं। तो लिख लीजिए, डिमांड भी बढ़ जाता है, डिमांड का मतलब क्या होता है, मांग, उस वस्तु का मांग भी बढ़ जाती है, उसके साथ साथ उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है, प्राइस मतलब मूल्य, तो प्राइस भी बढ़ जाती है और डिमांड भी बढ़ जाती है, तो ये भी एक फायदा है, ठीक है ना GI टैग का। तो GI टैग का है कि कोई आपके नकल नहीं कर सकता। तीसरा भी लिख लीजिए, उस वस्तु का कोई नकल नहीं कर सकता है। नकल मतलब उसी की तरह नहीं बना सकता है, नकल नहीं कर सकता है। तो ये आपका GI टैग को
इसीलिए दिया जाता है ताकि उस वस्तु की क्या कर दी जाए, ब्रांडिंग कर दी जाए, वो वस्तु बहुत फेमस है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा जीआई टैग आखिर दिया क्यों जाता है। तो ये चीजें हमने आपको बता दिया। अब चलिए आगे कुछ और बात करते हैं। देखिए सभी चीज आप पॉइंट बनाकर लिखते जाइएगा जो हम बता रहे हैं। वीडियो को एक दो बार जरूर देख लीजिए, आपका यहीं पर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, जीआई टैग जो है सबसे पहले किस वस्तु को दी गई थी। सबसे पहले एक हो गया, और वर्तमान में किसे मिला है, वर्तमान में अगर पूछें तो जब सबसे पहले की बात करेंगे तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। किसे दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग टी को दिया गया। दार्जिलिंग कहाँ पर पड़ता है? यह आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। कब दिया गया था ये? 2004 में दिया गया था। हमने बताया था कि 2003 में यह स्थापित हुआ था, कौन? जीआई टैग। और वो लास्ट का महीना मतलब वो सितंबर में ही दिए स्थापित हुआ था। अगले साल 2004 में दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग सबसे पहले मिला था। ये बात वर्तमान में जब बात करेंगे, वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में आपका कश्मीर का केसर है। तो याद रख लेना, कश्मीर के केसर को दिया गया है। कश्मीर के किसको मिला है? केसर को मिला है। कब मिला है? ये 2020 में, अभी ये जो मई चल रहा है तो मई में ही मिला है। तो ठीक है ना, तो याद रखना मई 2020 में ये मिला है, अभी का करंट का है। तो वर्तमान में केसर को मिला। इसको देने का ये रीजन है कि जो यहाँ पे केसर उत्पन्न होती है, कहाँ? कश्मीर में, भारत में ही है। तो भारत में जो ये केसर उत्पन्न होती है कश्मीर के क्षेत्र में, इसकी जो ब्रांडिंग नहीं की गई थी, तो यहाँ पर इसके अन्य जो देश है जैसे ईरान है, ईरान में इतना अधिक केसर उगाया जाता है कि वहाँ की ब्रांडिंग बहुत अधिक है, वहाँ के रेट बहुत बढ़ चुके हैं। जबकि हमारा अफगानिस्तान बगल है, अफगानिस्तान है, यहाँ का केसर जो है बहुत ही घटिया टाइप का होता है। तो इस वजह से कश्मीर भी वहीं आसपास का क्षेत्र है, तो उसके घटिया माल की वजह से यहाँ की भी जो केसर होता है उसकी भी खराब रिपोर्टेशन हो जाती है। इसीलिए भारत सरकार ने इसे जीआई टैग में दे दिया ताकि यह कंपटीशन के क्षेत्र में उतर सके और इसकी ब्रांडिंग बन जाए। तो आई बात समझ में? मुझे लग रहा है होगा कि ये क्यों दिया गया, भारत सरकार द्वारा ही इसे जीआई टैग में शामिल करने का आदेश दिया गया था। तो ये हो गया कि सबसे पहले कौन सा था और वर्तमान में कौन है जीआई टैग के बारे में। अब अगर बात करें हम जीआई टैग को लेकर कि सबसे अधिक अगर हम बात करें, क्या बात करते हैं जीआई टैग को लेकर हम बात करें जीआई टैग को, कि जो है सबसे अधिक संख्या में बात करते हैं, संख्या में सबसे अधिक किसको किससे मिला है, सबसे अधिक और सबसे कम, सबसे कम संख्या में कौन सा राज्य, यानी कि जब राज्य की बात करेगा कि किस राज्य को जीआई टैग सबसे अधिक मिला है और किस राज्य को जीआई टैग सबसे कम मिला है। तो सबसे अधिक में जो आएगा आपका वो है कर्नाटक, लिख लीजिए यहाँ पे, कर्नाटक को सबसे अधिक मिला है। जबकि सबसे कम में आपका तीन है, कौन कौन से वो तीन है लिख लीजिए आप, उत्तराखंड है, यूके जिसे बोलते हैं, आपका सिक्किम है, क्या है? सिक्किम, सिक्किम को लिख लीजिए, और एक आपका है जिसे हम बोलते हैं त्रिपुरा, त्रिपुरा। तो ये तीन क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पर भी एक जीआई टैग, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर एक। और जो कर्नाटक है यहाँ पर 40 से ऊपर जीआई टैग आपको दिया जा चुका है, तो इसीलिए आपके यहाँ तीनों जो है बराबर बराबर मात्रा में, इसलिए इन तीनों में से कोई एक पूछ लेगा, ठीक, सबसे कम की बात करेगा। और कर्नाटक में अगर बात करेगा सबसे अधिक दिया गया है। और एक अभी और शामिल हुआ जो करंट में दिया गया, जिसे हम बोलते हैं झारखंड, झारखंड में भी एक है। तो याद रखे रहना, झारखंड में भी अब एक है, क्योंकि अभी झारखंड में हाल ही में दिया गया है। तो ये भी बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। संख्या की अगर बात करेगा राज्य की, तो ये बात हो गई। एक बात यहाँ पे और यहीं पे लिख लीजिए कि कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा
ऐसा राज्य है जिसे जीआई टैग नहीं मिला है। जीआई टैग नहीं मिला, देखिए हम सभी चीज बताते, जीआई टैग नहीं मिला है तो दो राज्य है अब तक, पहले तीन राज्य हुआ करते थे, तो उसको भी जान लीजिए। पहले था पंजाब, दूसरा था इसी से सटा हुआ चंडीगढ़, चंडीगढ़ है, तीसरा जो था आपका झारखंड है। तो ये पहले जो हुआ करता था तीन राज्य थे जिसे जीआई टैग नहीं मिला था, लेकिन अभी हमने बताया कि झारखंड को एक मिल चुका है, तो इसको हम काट देंगे, यानी कि यह नहीं होगा, ये दोनों राज्य होंगे जिसे जीआई टैग अभी तक नहीं मिला है। हालांकि इसे किसी अन्य राज्यों के साथ जोड़कर जीआई टैग प्रदान करवा दिया गया है, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा राज्य जिसे नहीं मिला, तो यही दो राज्य आप लोग दिमाग में रखेंगे। तो आई थिंक ये भी बात क्लियर हो गई होगी किस राज्य में सबसे अधिक मिला है, किस राज्य में सबसे कम मिला है, किस राज्य में जीआई टैग नहीं है। अब एक क्वेश्चन यहीं पे और उठता है कि किस वर्ष जीआई टैग सबसे अधिक मिला है। जीआई टैग कभी कभी ईयर को लेकर पूछ लेगा कि किस वर्ष अधिक सबसे अधिक मिला है और किस वर्ष सबसे कम मिला है। तो जीआई टैग किस वर्ष में सबसे अधिक मिला था, तो यह है आपका 2007-08 में सबसे अधिक मिला था जीआई टैग। आई थिंक 48 जीआई टैग मिला था यहाँ पर, ठीक है ना। और अगर इसमें एक संदेह तो आप लोग यहाँ पे 2007 को मारेंगे, किसे 2007 को, और नहीं तो इस तरह से देगा। ये सबसे कम की बात करेंगे तो यहाँ पर दो कैटेगरी में है, एक है 2004-05, 2004-05 और 2005-06। तो 2004-05 में भी तीन जीआई टैग दिया गया था, और 2004-05 में और 5-06 में तीन तीन दिए थे, इसीलिए सबसे कम मात्रा में जीआई टैग इन दो साल में मिला है, जबकि सबसे अधिक आपका 2007-08 में ही मिला है। तो सन को भी लेकर हम पूरी तरह से आपको हर एक बारीकी पे हम चर्चा कर दे रहे हैं कि जीआई टैग इस वर्ष सबसे अधिक मिला था, ठीक है ना। अब वस्तु को लेकर हम अगर बात करें कि वस्तुओं पे, हमने बताया ना जीआई टैग किस पर दिया जाता है, वस्तुओं पर दिया जाता है, तो किस वस्तु पर जीआई टैग सबसे अधिक दिया गया है और किस वस्तु पे जीआई टैग सबसे कम दिया गया। हमने बताया था ये जीआई टैग वस्तुओं पर दिया जाता है, तो अभी तक कितने वस्तु ऐसे हैं जिस पर सबसे अधिक जीआई टैग मिला है, कितने पर सबसे कम, ये भी क्वेश्चन है, पूछे जाने की संभावना बहुत रहती है। तो जब अगर अधिक की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा हमने बोला था हस्तशिल्प की बात, किसे हस्तशिल्प, हस्तशिल्प का मतलब क्या होता है, कारीगरी, हस्तशिल्प पे सबसे अधिक दिया गया है। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो कृषि है, कृषि पर दिया गया, ठीक है ना। अगर सबसे कम की बात करें तो नेचर पर सबसे कम दिया गया, नेचर का मतलब क्या है, प्रकृति पर सबसे कम जीआई टैग मिला है। तो ये बात आप लोग याद रखे रहना, तो ये सभी चीजें आपका जीआई टैग से संबंधित बातें थी। अब आइए चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग को समझते हैं। तो लिख लीजिए, हेडिंग डालिए महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण क्या जीआई टैग। अब इन महत्वपूर्ण जीआई टैग में हम सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जीआई टैग की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जीआई टैग दिए गए हैं, सभी की चर्चा करना मुश्किल है, लेकिन हाँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रबल, उसकी संभावना, वही चर्चा करेंगे। लिखिए उन महत्वपूर्ण में, पहले आप लिखिए महाबलेश्वर, महाबलेश्वर की क्या है, महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी है, क्या है स्ट्रॉबेरी, यह फेमस है जिसे जीआई टैग मिला गया है। तिरुपति बालाजी आप लोग समझते हैं, तिरुपति बालाजी का मंदिर है, वहां पर आपका लड्डू बहुत है फेमस, इसीलिए उस लड्डू को भी जीआई टैग दिया जा चुका है। तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरी बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो कड़कनाथ का मुर्गा, लिख लीजिए कड़कनाथ, कड़कनाथ का क्या मुर्गा, चलिए ये हो गया। और झाबुआ है, क्या है झाबुआ, कड़कनाथ का मुर्गा और झाबुआ को मिला है। और अगर बात करें नागपुर, लिख लीजिए नागपुर की बात अगर करें तो नागपुर के संतरा की, संतरा को आपको क्या दे दिया गया है जीआई टैग मिल गया है। यहीं पे अगर हम बात करें बनारस, किसकी बात करें बनारस की अगर बात करें तो बनारस की साड़ी को जीआई टैग दिया गया है।
साड़ी की बात कर रहे हैं तो एक तमिलनाडु, यहीं पे कामादेका लिख लीजिए, तमिलनाडु का कंचावरम साड़ी। कौन सा? कंचावरम, कंचावरम साड़ी। तो ये अभी याद रखना कि साड़ी की बात हो रहा है तो कौन सी साड़ी जिसे नाम देते हैं कंचावरम साड़ी तमिलनाडु का। और एक कामादेका लिख लीजिए कि गुजरात, गुजरात का जो है, गुजरात का पटोला या पाटन, दो नाम इसे बोलते हैं। तो लिख लीजिए गुजरात का क्या है, पटोला, या फिर इसे हम बोलते हैं पाटन। यह भी साड़ी होता है, ये गुजरात में बनाई जाती है। बहुत ही जो रईस होते हैं या बहुत अमीर लोग जो होते हैं वो ही इसको खरीदने में सक्षम होते हैं, क्योंकि ये कंचावरम साड़ी बनारसी साड़ी ही जो होती है लगभग आपका 8-9 हज़ार, 10 हज़ार इस तरह से मिलती है। ये तो सबसे महंगी होती है, 18-20 हज़ार की साड़ी या उससे ऊपर की साड़ी होती है। तो ये पटोला या पाटन भी बहुत इंपॉर्टेंट है साड़ी को लेकर जो पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये चीज हो गया। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं हल्दी की। तो हल्दी की तीन कैटेगरी है, तो लिख लीजिए तीन कैटेगरी। एक है आपका कंधमाल हल्दी। कौन सा हल्दी है? कंधमाल हल्दी। तो ये जो कंधमाल हल्दी है ये कहाँ पर दिया जाता है? तो यहीं पर लिख लीजिए कंधमाल हल्दी जो दिया जाता है वो उड़ीसा में दिया जाता है, ठीक है ना, उड़ीसा में। आई थिंक पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लिखते हैं क्योंकि जगह जो है ज्यादा नहीं है। तो इसको नोट करिए, फिर हम मिटा कर फिर लिखवाते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट है सभी इम्पोर्टेंट वाला ही हम लिखवा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको सारे लिखवा देंगे, ठीक है ना, सभी इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको लिख लेते हैं, इसी में ही कर लेते हैं पूरा हल्दी को है। तो कंधमाल हल्दी और इरोड हल्दी, इरोड हल्दी कहाँ पर दिया जाता है? तमिलनाडु में। और एक है आपका सांगली हल्दी। कौन सा है? सांगली। तो लिख लीजिए हल्दी को लेकर बात हुआ है तो सांगली कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तो ये बात आप लोग लिख लीजिए, हल्दी तीन की है, कंधमाल, इरोड, सांगली, यहाँ उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में दिया जाता है, ठीक। तो ये बात क्लियर हो गई होगी, इसको नोट करें जल्दी से। हो गया ना, चलिए मिटाते हैं। और है अभी कुछ लिख लीजिए। अब आइए कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में कौन सा है? तो कश्मीर में लिख लीजिए, कश्मीर में आपका पश्मीना है। क्या है? पश्मीना। और अभी हमने बताया केसर, कश्मीर में पश्मीना और केसर को जीआई टैग मिला है। मथुरा की अगर बात करें तो मथुरा के पेड़ा को मिला है। किसे? पेड़ा को। आगरा की बात करें तो आगरा के पेठा को मिला है, आगरा के पेठा को मिला है, ठीक है ना। तो ये हो गया। और पेंटिंग की बात करें तो कांगड़ा का पेंटिंग लिख लीजिए, कांगड़ा की क्या है? पेंटिंग। कांगड़ा की पेंटिंग को मिला है। तो ये पेंटिंग की बात हो गई, इसे नोट करिए। और इसी पे ही यहीं पे लिख देता हूँ, मुजफ्फरपुर की बात कर लेते हैं। किसकी? मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर में लीची है, मुजफ्फरपुर का लीची बहुत फेमस है, तो मुजफ्फरपुर के लीची को मिला है आपका। और ये मुजफ्फरपुर पड़ता कहाँ है? बिहार में पड़ता है। और बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार में तीन चीजों को और दिया गया है। एक है आपका चावल, और कैसा चावल है? कतरनी चावल। तो लिख लीजिए कतरनी चावल। दूसरा आपका है आपका पान है, जिसे हम मगही पान बोलते हैं। तो लिख लीजिए मगही पान, ठीक है ना। तो मगही पान और कतरनी चावल बिहार में है, इसको दिया गया है, इसे नोट करें फिर आगे लिखवाते हैं। तो मुजफ्फरपुर का लीची हो गया, कतरनी चावल हो गया, मगही पान हो गया, यहाँ पर आम का भी दिया जाता है। तो लिख लीजिए आम है बिहार का, जिसे बोलते हैं जरदालू आम। कौन सा आम? जरदालू। तो जरदालू आम है, इस जरदालू आम को भी जीआई टैग दिया गया है। देखिए आम को लेकर बात आई है, तो आम को लेकर यहाँ पे लखनऊ में भी आम को जीआई टैग दिया गया है, और आपका महाराष्ट्र में भी आम को लेकर जीआई टैग दिया गया। जो महाराष्ट्र का आम है उसे अल्फांसो आम बोलते हैं, अल्फांसो आम, इस आम को भी जीआई टैग मिल जा चुका है। और लखनऊ के आम को मलिहाबादी आम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मलिहाबादी आम।
तो मलिहा बादी आम ये दशहरी की प्रजाति होती है, इसे भी दिया गया। तो आम को लेकर भी हमने बात कर ली है, बिहार का जरदालू आम, लखनऊ का मलिहा बादी आम और महाराष्ट्र के अल्फांसो आम को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण आपके क्या थे, जिसे हम बोलते हैं जीआई टैग थे। अभी पिछले साल ही आपको रसगुल्ला पे, यानी मिठाई की बात करें तो रसगुल्ला पे जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तो बहुत सारे लोगों का आंसर होगा बंगाल, लेकिन बंगाल को नहीं, उड़ीसा को मिला है, ठीक है ना। तो याद रखे रहना, ये रसगुल्ला को 2019 में ही मिला था, ठीक। तो उड़ीसा में ये दिया गया है आपका रसगुल्ला का, ठीक। तो अब आते हैं आपका, एक है बर्धमान, पश्चिम बंगाल का है बर्धमान, और बर्धमान में है आपका सीता भोग, बर्धमान के सीता भोग को भी जीआई टैग मिला है। तो ये भी दिमाग में रखे रहिएगा, कुछ इक्का दुक्का ये सारी बातें हैं, इसको याद रखना। एक है आपका गुड़, जिसे मरयूर गुड़ बोलते हैं, कौन सा, मरयूर गुड़। और यह मरयूर गुड़ जो है आपका केरल के इडुक्की जिले से है, केरल के इडुक्की, तो केरल के इडुक्की से आपका मरयूर गुड़ दिया गया है, बहुत ही फेमस गुड़ है ये। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखना जीआई टैग में। अब यहाँ पे लिखिए महत्वपूर्ण जीआई टैग 2020 का, जो 2020 के कितने हैं, चार हैं, उसके नाम लिख लेते हैं। तो पहले है आपका मणिपुर, मणिपुर का है। दूसरा आपका गोरखपुर में, गोरखपुर का दिया गया है, गोरखपुर लिख लीजिए। तीसरा है आपका तमिलनाडु का, तमिलनाडु लिख लीजिए। और चौथा है आपका कश्मीर का, तो ये कश्मीर का हो गया, ठीक है ना। तो मणिपुर का जो है वो है काला चावल, मणिपुर का क्या है, काला चावल है। तो मणिपुर के काला चावल है, जिसे मणिपुर में क्या बोलते हैं, चकहाओ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चकहाओ। इसी काला चावल को चकहाओ बोलते हैं, इस काले चावल को क्या कहा गया है, आपका जीआई टैग दिया गया है। गोरखपुर की अगर बात करते हैं, तो गोरखपुर में टेराकोटा को क्या दिया गया है, जीआई टैग। टेराकोटा क्या होता है, जो लोग मूर्तियां बनाते हैं, छोटी छोटी मूर्तियां बना के आज बहुत अच्छे तरह से नक्काशी करते हैं, तो जो मूर्तियां बनाते हैं वही लोगों को दिया गया। और ये कहाँ के लोग हैं, गोरखपुर, गोरखपुर के कौन से समिति है, लक्ष्मी टेराकोटा समिति है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, लक्ष्मी टेराकोटा समिति जो थी वो मूर्तियां बनाने के लिए बहुत ही फेमस थी, और उसे जीआई टैग दिया गया। तो लक्ष्मी टेराकोटा समिति जो मूर्तियां बनाती है उसे, उसके लिए आपका दिया गया है, ठीक है ना। और तमिलनाडु की बात करें, तो तमिलनाडु में है कदलाई, कदलाई मितई, क्या है, कदलाई मितई, मितई, ये कदलाई मितई को दिया गया। कदलाई मितई होता क्या है, तो यह एक आपका मूंगफली का कैंडी होता है, मूंगफली कैंडी, जैसे आपका कैंडी खाया नहीं जाता, टॉफी होता है कैंडी, तो उसी तरह से ये मूंगफली कैंडी होता है। इसे आपका क्या किया जाता है, खाया जाता है। ये किससे मिला होता है, मूंगफली से, मूंगफली और गुड़ से मिलकर बनाया जाता है, मूंगफली और गुड़ से मिलकर, ठीक। कश्मीर की हमने बात किया है, तो कश्मीर के केसर को आपको जीआई टैग मिला है। तो ये सारी चीजों को लिख लीजिए, ये करंट, ये जून, आपका जून जून 2020 में आपको ये चार जीआई टैग दिए गए हैं, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। अच्छा, ये जो काला कलर होता है, ये काला कलर किसकी वजह से होता है, कभी कभी ये पूछ लेगा, तो लिख लीजिए काला कलर इसका जो होता है एंथोसाइनिन की वजह से होता है। तो यहीं पर लिख देता हूँ, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन जो काला कलर होता है, एंथोसाइनिन नामक रासायनिक तत्व तो पाया जाता है, उसी के कारण यह काला कलर होता है इस चावल की, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये एंथोसाइनिन, कभी कभी रासायनिक तत्व तो पूछ लेता है, तो ये काला होने का कारण एंथोसाइनिन है। तो ये क्लियर हो गया ना, तो यहाँ पर ही लिख लेना कि एंथोसाइनिन रासायनिक तत्व तो की वजह से इसका कलर काला होता है, यहीं पर आप लोग लिख लीजिएगा, बाकी उतारे आप लोग।
तो ये तमिलनाडु का हो गया है। तमिलनाडु के किस जगह पर? तो यहाँ कोबिल पट्टी है, लिख लीजिए तमिलनाडु के कोबिल पट्टी, कोबिल पट्टी नामक जगह है। तो तमिलनाडु के कोबिल पट्टी नामक जगह पर यह जो है कदलाई मितई बनता है, ठीक है ना? तो ये भी बात याद रख लेना कि कोबिल पट्टी नामक जगह है वहां पर बनता है। और अगर इसकी बात करें तो जो ये मूंगफली कैंडी बनाई जाती है तो मूंगफली और गुड़ से बनाई जाती है, लेकिन जो इसमें पानी यूज होता है वो एक खास नदी का पानी यूज होता है। कौन सी नदी है? वही तमिलनाडु में है, थामी बरानी नदी, लिख लीजिए थामी बरानी नदी, थामीब रानी, थामी बरानी नदी। इस थामी बरानी नदी के पानी का यूज होकर मूंगफली कैंडी बनाई जाती है। यह बात क्लियर हो रहा है? तो कभी पूछ लेगा कि मूंगफली कैंडी किस नदी के पानी से बनाई जाती है, तो थामी बरानी नदी के पानी से। जब आपके गोरखपुर के टेराकोटा की बात करते हैं मूर्ति बनाने के लिए, तो किस मिट्टी का यूज होता है? तो दोमट मिट्टी। किस मिट्टी का यूज होता है? दोमट मिट्टी का यूज होता है, दोमट मिट्टी का यूज करके बनाते हैं। तो ये हो गया आपका सारे महत्वपूर्ण जीआई टैग, हमने सब चीजों की चर्चा कर लिया है, ठीक है ना? थोड़ी सी बातें और है जिसमें हम आपको बता दें कि कुल संख्या अभी तक कितनी जीआई टैग मिली है, कुल संख्या बताएं जीआई टैग कितनी मिली है। तो इसके पहले 361 जीआई टैग थे जिनकी संख्या 361 थी, अभी हाल फिलहाल में चार और मिल गए हैं, तो कुल कितने हो गए हैं? 365 हो गए। तो जीआई टैग की कुल संख्या कितनी हो गई है? 365 जीआई टैग कुल हो गए, तो आप लोग लिख लीजिए। अब इसके लोगों की बात कर लीजिए, लोगों आप लोग हेडिंग डालिए इसके लोगों की, जब बात करेंगे तो लोगों को लिख लीजिए। आप लोग चित्र बनाए लोगों का, लोगों का चित्र बनाइए आप लोग, जैसे हम बना रहे हैं इस तरह से लोगो हमारा बनेगा पूरी तरह से, ये हमारा है लोगो, ठीक है ना? और यहाँ पर ये बीच का गोला कर देंगे, ये जो कलर होगा हमारा, ये कलर है हरा और ये कलर है हमारा केसरिया, ये केसरिया कलर है। और ये जो बीच का है ये सफेद भाग है, कौन सा है? सफेद भाग है। और जो ये गोला है ये आपका नीला कलर है, कौन सा है? नीला कलर है, ठीक है ना? तो इसे आप लोग अगर आपके पास कलर होगा तो इसको हरा से कर लेना, इसे आपका केसरिया से, ये नीला से, और बीच का भाग सफेद रहने देना। तो ये इसका लोगो है। तो इस लोगो में याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट बात है, तिरंगे के रंग का प्रयोग किया गया है, तिरंगे के रंग का प्रयोग किया गया है। तो ये बात एकदम दिमाग में रखे रहना कि तिरंगे का प्रयोग किया गया है। तो ये बात हो गया, ठीक है? आगे हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम फिर डिस्कस करेंगे, ठीक?